हे गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है पिनन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी के लव एंड सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पे जो 9K की YT फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में कुछ अपडेट्स हैं, कुछ न्यूज़ है, तो वीडियो को लास्ट तक जो देखना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लेना। गेम हाइस प्ले अपने को 9K कंप्लीट करना है एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो में जो कुछ अपडेट्स हैं एंड रोकी भाई भी लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ से कुछ अपडेट्स, कुछ रिएक्शन है प्लेयर पर, तो वो अपडेट होने वाले हैं। प्लस में लूडोमा का जो सेमीफाइनल्स का डे टू के बाद का ओवरऑल स्टैंडिंग आपके स्क्रीन पे है एंड इनका जो रिसेंट टूर्नामेंट प्रो सीरीज़, वहाँ से टॉप सिक्स टीम जो है खेलेंगी डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल्स, तो वो टीम्स जो है आपको ग्रैंड फाइनल्स में देखने को मिलेंगी। पाड़ी भाई आएंगे तो कोई स्नाइपर चला सकता है क्या? आए पाड़ी दो भाई, ये बंदा लाइव में है बोल के नहीं बोल रहा। आई थिंक इनको जो स्नाइपर गॉड टाइटल मिला है ना, ही डिजर्व दैट, क्योंकि इस प्लेयर को मैंने बहुत करीब से देखा है, इज लाइक माई यंगर ब्रदर, और काफ़ी टाइम अपन साथ भी रहे, तो जो डेडिकेशन है इनकी वो काफ़ी अमेजिंग है भाई, और ये भाई डिजर्व करता है चैम्पियन होना। ठीक है, FFIC ही नहीं, मैं समझता हूँ वर्ल्ड चैम्पियन होना डिजर्व करता है पाड़ी, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अगर कोई सोच रहा है कि स्टार्ट था, एक बार FFIC जीत लिया, पहाड़ी को भी एक आध बार IG Link मिल गई, दैट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर हिम, नहीं, जिस लड़के से मैं इतने दिन बातचीत किया है, जिसको मैं करीब से जाना हूँ, आई डोंट थिंक सो लोकेश काराकोटी इज अ यू नो कोई छोटी गेम का वो हीरो नहीं है, बड़े गेम का वो जीता हुआ चैंपियन है और आगे तक जाएगा। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग गाइज। ठीक है, लाइव क्यों नहीं आ रहे रॉकी भाई? हाँ, उसीलिए मैं इंस्टा लाइव पे आया था कि गाइज मैं लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूँ, मैं पापा का गाइज सर्जरी होने वाला है 16th of October को, मतलब अभी कुछ दिन में, तो मैं गाइज 17th तक लाइव नहीं आ पाऊंगा, तो इसीलिए मैं सोचा कि आके बता दूँ, कहीं कोई ये ना सोचे भाई रॉकी भाई लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, टूर्नामेंट स्पेंडिंग आप क्यों नहीं आ रहे हो करके। फौजी भाई और TM के लिए दो लाइन बोल दीजिए भाई, क्या बताऊँ, फिर मैं माफियाज के बारे में बोलूंगा, कोई बोलेगा देखो सिर्फ माफियाज की तारीफ करो, नहीं ऐसा नहीं है गाइस, एक्चुअली सीन ये है, माफियाज एक बहुत मेहनती टीम है एंड जितना मैं समझता हूँ फौजी भाई इस टीम के एक कॉर्नर स्टोन है, वो बंदा अपनी टीम को स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कैसे लाया है मैंने देखा है। बात है, टू वर्ड्स वॉट डिलीट द गॉडज़िला, दो फनी वर्ड अबाउट इग्नाइट, थुल थुला रे थुल थुला थुल थुला, कौन थुल थुला भाई?